अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और आप देख रहे हैं इस वक्त ज़की ग्राफिक्स। तो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोफेशनल लोगो 3D कलर रिंग डिज़ाइन। तो गाइस, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप जो है वो 3D कलर रिंग डिज़ाइन जो है उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे। और मेरे पास 5 कलर्स हैं और इनका जो है मैं वो यूज़ करूँगा और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लोगो क्रिएट करेंगे, प्रोफेशनल लोगो। और ये 3D कलर रिंग डिज़ाइन होगा। तो गाइस, आप करें वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस, चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास राउंडेड रिलेक्टर टूल है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि सिंपल गाइस ड्रॉ कर दूँगा कुछ इस तरह। ओके, डैट्स गुड। और गाइस, इसकी जो है मेरे पास 4 कलर्स हैं, ये मैं यूज़ करूँगा। ये मेरे पास बैकग्राउंड है तो ये मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो गाइस, इसके क्या करूँगा कि मैं इसमें इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा एक और। ओके, और इसकी फिर डुप्लीकेट कर लूँगा। ओके, आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो 4 जो है वो लेयर्स जो है वो रेडी हो चुकी हैं। तो गाइस, इनको कुछ मैं जो है वो इनकी थोड़ी सेटिंग करूंगा। तो गाइस, इनकी जो मैंने सेटिंग कर ली, अब इनको मैं इक्वल कर लेता हूँ, इनका जो स्पेस है वो एक जैसी हो जाए। ओके, आप देख सकते हैं मेरे पास इनकी स्पेस जो है वो एक जैसी हो गई है गाइस। तो अब इनमें मैं अपने कलर जो है वो फिल कर लेता हूँ गाइस। ओके, दैट्स गुड। इसमें मैं ग्रीन वाला कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो 4 जो है वो रिंग जो है यहाँ तक जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। अब इनको मैं क्या करूँगा गाइस, ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गाइस। सिंबल्स ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इसको ये आपको अगर ना मिले, आपके इधर नहीं ही शो हो रहा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। वीडियो में विंडो में सॉरी जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा सिंबल्स। तो आप इस पर क्लिक करें, इसकी शॉर्टकट कमांड जो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F11 जो है आपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जो है इसको मैं ड्रॉ करते हुए इसमें ला के इसको जो है वो छोड़ दूंगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका तो कोई नाम दे देता हूँ, GD का नाम दे देता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो इसकी लेयर बन गई है। ओके गाइस, मेरे पास लेयर जो है वो बन गया, इसको मैं एक साइड पे ले जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जो है वो गोल कर्सल लूँगा और इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँगा कुछ इस तरह। अब रिएक्टर टूल लूँगा और इसमें मैं क्या करूँगा, इसको इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए पाथ फिंडर में जाऊँगा और सेकंड वाला जो है इस पर कर दूंगा और ये आपके पास जो है वो शेप रेडी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे मैं जाऊँगा इसमें इफेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं 3D और सेकंड वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके गाइस, तो इधर ले आते हैं इसको और यहाँ पे मैंने जो ये रिंग जो मैंने रेडी की है, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि मैप आर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप विंडो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मैंने नाम इसका दिया था GD का, तो इस पर सिंपल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो गाइस, अब मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग करूँगा। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास इधर जो है वो आ गया। अब मैं इस पर जो है वो चेकर लगाऊंगा तो ये मेरे पास इधर रेडी हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये मेरे पास 3D है, तो अब मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करूंगा गाइस। आप देख सकते हैं मेरी रिंग जो है वो यहाँ पे
3D रिंग कलर जो है वो रेडी हो चुकी है गाइस। ओके गाइस यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सेट है, इसको मैं ओके कर दूंगा। ये देख सकते हैं कि मेरी रिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। मेरे पास ये चीज़ थी और इसको मैंने 3D रिंग कलर जो है वो क्रिएट कर लिया। तो अगर इसमें आप कोई और भी कलर करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी से जो है वो आप कर सकते हैं। तो ओके इसको मैं अब जो है डिलीट कर देता हूँ और अब इसको मैं और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये मेरे पास बैकग्राउंड है, इसको मैं इधर जो है वो पे लगा लेते हैं बैकग्राउंड। ओके आप देख सकते हैं और इसको मैं सेंड टू बैक कर दूंगा अरेंज में जाके। ओके डैट्स गुड। और इसको मैं जो है वो लॉक कर देता हूँ कि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे आपको लॉक कर दिया। अब इसको जो है वो मैं थोड़ा सा शेडो दूंगा, इसमें ब्लैक कलर को फिल कर लेता हूँ। ओके डैट्स गुड। यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। अब मैं गाइस क्या करूँगा, यहाँ पे आप इसको मैं यहाँ पे मैं फीडर में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास आपके पास कुछ भी जो है वो टाइप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं 40 कर लेता हूँ या मैं इसको गाइज आप देख सकते हैं मेरा शेडो जो है वो रेडी हो चुका है। ओके यहाँ पे बिल्कुल ओके है। इनको मैं इक्वल कर लेता हूँ यहाँ पे, इसका शेडो इस तरह कुछ आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोफेशनल लोगो 3D कलर रिंग जो है डिज़ाइन वो रेडी हो चुका है। तो गाइस आई होप कि अब आप लोगों को इस तरह का लोगो क्रिएट करने में कोई भी टेंशन नहीं होगी और आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। I'm not afraid of the dark.